ये पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। नाइन्थ में जो हमने किया है थोड़ा सा रिवाइज करिए। जी सर, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? जी है कुछ आइडिया या नहीं? शर्माया मत करो, बता दिया करो फटाफट। सब काम कर जी अरूप, कोई आइडिया है पॉलिनोमियल का? वो एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स हो। इक्वेशन नहीं होती बेटे, और जरूरी नहीं है टू से ज्यादा। सलमान, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? नाइन्थ में हमने किया है पॉलिनोमियल को डिफाइन, तो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? सलमान सलमान जी सर, वो इंटरनेट में इशू हो गया था। लग रहा है मुझे दूसरे बच्चों के साथ भी हुआ है। बताओ पॉलिनोमियल क्या है बेटे? सर पॉलिनोमियल्स सर एक वेरिएबल और कांस्टेंट का इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। इक्वेशन नहीं होता बच्चों, प्लीज डोंट यूज टर्म इक्वेशन। नहीं सर, पॉलिनोमियल सर ऐसे नहीं पता लैंग्वेज। जी एक्चुअली इज ए मैथमेटिकल लैंग्वेज, आप ये कहिए ठीक है। एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्चुअली होता क्या है, द कॉम्बिनेशन, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें, अभी आप जो कह रहे थे इक्वेशन ना कह के कॉम्बिनेशन कहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल ठीक है एंड नंबर्स विद देयर पावर्स, विद देयर पावर्स में ही कंडीशन होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप समझ, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स विद देयर नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे शर्त जो है वो यही है कि जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एक्चुअली आप लोगों ने किया होगा px और वहां पे मैं लिख दूं 3x plus 5 या मैं लिख दूं x square plus 5x minus 7 ठीक है। इवन मैं आपको कहूं बेटे 5x, इवन मैं आपसे कहूं बेटे 3, इन सब में अगर आप चेक करिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में x की पावर 1 है, सेकंड में x की पावर 2 है, थर्ड में भी x की पावर 1 है, बट फोर्थ में वेरिएबल की पावर 0 है, ये ध्यान रखिए। अगर आपके पास टर्म्स ऐसे आ जाएं कि सर अंडर रूट ही लिख दूं मैं, सपोज करो अंडर रूट x प्लस 5, तो आपको बच्चे पता होना चाहिए अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ, या मैं आपसे कहूं कि नहीं सर x की पावर 5/7, या मैं आपसे कहूं बेटे x की पावर -3 x प्लस 5 होगा क्या बेटे? जो लेफ्ट साइड में है ये सब पॉलिनोमियल, इन सब में जो पावर है आपकी वो नॉन नेगेटिव और दूसरी बात इंटीजर है। इंटीजर मंच का कंप्लीट नंबर है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, फ्रैक्शंस में नहीं है। लेकिन अगर आप राइट साइड देखेंगे तो राइट साइड में आपके पास नेगेटिव भी है और आपके पास फ्रैक्शन में भी है पावर,
तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. जैसे ये वाला टर्म माइनस थ्री नेगेटिव है और ये हमारे पास है फाइव बाई सेवन, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन. तो नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन ना हो. तो अगर हमारे पास ये नहीं है तब हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तब हमारा कॉम्बिनेशन ठीक है पॉलिनोमियल कहलाता. आवाज आ रही है आपको? जी ठीक. तो ये बस, तो बस मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने नाइन्थ में सीखा था पॉलिनोमियल्स में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स. टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में मिले आपने एक तो टर्म्स पे बेस सीखा था, जैसे मैंने अभी ये लिखा था ना पॉलिनोमियल पी एक्स, और पी एक्स को वैदोमीटर में थ्री एक्स प्लस फाइव. और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल से पहला होता है टर्म्स बेस्ड. ये जो हमारे पास थ्री एक्स है और ये जो हमारे पास फाइव है, ये भी तो टर्म्स हैं. जहां पे भी प्लस माइनस आ जाएगा वो हमारे टर्म्स होते हैं. तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास टू टर्म्स हैं. अगर हमने एक और पॉलिनोमियल लिखा x x cube plus 3x square minus 5x plus 7, तो यहाँ हमारे पास फोर टर्म्स हैं. तो टर्म्स पे बेस आपने पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया होगा ठीक है. तो इफ ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, सिंगल टर्म, तो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. इफ वी हैव टू टर्म्स, binomial. Yes, very good. Binomial. अभी सिर्फ हम हल्का सा revision ले रहे हैं. If we have three terms, binomial. That is trinomial. First categorization was on the base of terms. And एक हमारे पास था degree based. बताइए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? पावर, जो एक्सपोनेंट है बेटे, एक्सपोनेंट पावर होती है. पावर नहीं होती बेटे, पावर तो बहुत सारी होती है. हाईएस्ट पावर बेटे, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल जी सर, इज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. मतलब जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था बेटे, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस सेवन बाय फाइव एक्स स्क्वायर अंडर रूट फाइव एक्स प्लस थ्री. अगर आप यहाँ चेक करेंगे बेटे, पावर तो थ्री भी है, पावर तो टू भी है बेटे, पावर तो वन भी है, और इवन मैं आपसे कहूँ थ्री को भी आप लिख सकते हो इसकी पावर जीरो, तो पावर तो जीरो भी है. तो देयर आर सो मेनी पावर्स इन दिस पॉलिनोमियल, बट विच वन इज द डिग्री? थ्री, दैट इज हाईएस्ट पावर, है ना बेटे. तो इन एनी पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड द डिग्री. तो आपने डिग्री पे बेस्ड भी पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया होगा, है ना. तो डिग्री पे बेस्ड आपने कैसे किया होगा? इफ डिग्री इज जीरो, अगर डिग्री जीरो है तो उसको आपने क्या कहा था? उसको आपने कहा था जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल. जैसे हमने लिख दिया था अभी ऊपर पॉलिनोमियल लिखा था पी एक्स इज इक्वल टू सपोज करो फाइव. तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नहीं है, या ये कहिए वेरिएबल विजिबल नहीं है. वेरिएबल तो है बट उसकी पावर जीरो. तो इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. फिर हमारे पास अगर डिग्री वन आ जाए, तो अगर डिग्री वन होगी तो उसको आपने क्या कहा था? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल. अच्छा, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px is equals to a, where a is any number, not zero. प्लीज ध्यान से ध्यान रखिएगा कि a is not zero. अच्छा, डिग्री वन लीनियर पॉलिनोमियल. अगर डिग्री हमारे पास टू हो जाए, अच्छा डिग्री वन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है भाई? डिग्री वन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax plus b. Again, condition is same, a is never be zero. So next is degree two. Degree two आप कहते हैं quadratic polynomial. ax
Yes, its standard form is ax square plus bx plus c. फिर आपके पास होता है बेटे डिग्री 3, तो वो से आप कहते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म इज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म काम आएंगे बेटे इस चैप्टर में, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ. ax फोर bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस c, ये हमने क्या लिख दिया, ये तो बाई क्वाड्रेटिक लिख दिया. नेक्स्ट वाला क्यूबिक होगा ax क्यूब x square cx plus d. Now degree 4. 4 क्या होता है बेटे? By quadratic polynomial. That is ax 4 dx cube cx square dx plus. ये हमारे पास है. ये हमारे पास काम आएगा. अब एक लास्ट मुझे टर्म बताइए, आपने सीखा होगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये काम आएंगे दोनों चीजें मिलके. बस ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल और ये सॉरी क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? या मैं एक एग्जांपल ले लूं, शायद आपको समझ में आए. ये सपोज करो बेटे पॉलिनोमियल है px and px is x plus 5. So what is its zero? Sir, zero जाएगा minus 5. Very good, शाबाश. क्या होता है ये minus 5 को अगर हम define करें? What is this? Sir, x की value होती है. Yes, value of variable. ठीक है? Value of variable, ये value of x for which polynomials become zero. ठीक है? Actually, आपने क्या किया है? आपने वैल्यूज फाइंड करने सीखा था. आपने सीखा था, आपसे कहा जाए p1 फाइंड कर, तो आपने x को रिप्लेस किया था बाय 1, तो आपके पास आ गया था 6. आपसे कहा जाए p0 फाइंड करी, आपने किया था 0 प्लस 5, तो वैल्यू आई थी 5. आपसे कहा जाए नहीं सर p-5 फाइंड करी, तो आपने किया था माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0. कुछ याद आया? जी सर. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच पॉलिनोमियल्स बिकम 0, दैट इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, ये आ गई 0. जी सर. लेकिन ये 0 किसके लिए आया है? ये 0 आया है माइनस 5 रखने के. तो आप कहते हो सो x इज इक्वल टू, आप ये कहते हो सो x इज इक्वल टू माइनस 5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ये आप कहते हो. ठीक है सर. तो अब होता क्या है, होता ये, एक तो ये है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरी बात क्या है कि कितने जीरोस होते हैं, तो ये आपको समझना है. नंबर ऑफ जीरोस, जितनी डिग्री होती है उतने जीरो होते हैं. हाँ, कितने वैल्यूज हमारे पास होंगे. तो आपने एक और किया था, अगर मैं आपसे कहूँ ये आपने नाइन्थ में किया है px is equals to x square plus 3x plus 2, तो आपने इनके जीरोस फाइंड किए थे. तो आपने किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, 2x plus x plus 2 x common x plus 2 1 common x plus 2 x plus 2 x plus 1. ये मेरे पास x plus 2 को 0 लिखें तो x is equals to minus 2, x plus 1 को 0 लिखें तो x is equals to minus 1. तो ये हमारे पास zeros थे. तो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले में क्या था, डिग्री 1 थी तो हमारे zeros 1 आए थे. ये हमारे पास डिग्री 2 है, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास zeros भी 2 आए. तो यही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं ऑफ एनी पॉलिनोमियल हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री होते हैं. ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं डिग्री के इक्वल हो, डिग्री के इक्वल हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, और हो सकता है जीरोस ना भी हो, ये भी पॉसिबल है, बट मैक्सिमम यही होते हैं. तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे
होता क्या है, होता क्या है कि ये अगर आपके पास, ये अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, अब जैसा मैं आपसे कहूं चलो लीनियर क्या, यहीं से तीन समझ लेते हैं बस, यही आपका आज का छोटा सा होमवर्क है और छोटा सा यही आपको, अगर हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल है px = a, तो यहाँ पे डिग्री जीरो है और हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिग्री, तो इन दिस पॉलिनोमियल हमारी डिग्री है जीरो, मतलब इसमें जो जीरोस होंगे वो जीरो या जीरो से कम होंगे, जीरो ही से कम हम कुछ ले ही नहीं रहे नंबर्स में, तो नॉन जीरो, तो जीरो पॉलिनोमियल के लिए कोई जीरो नहीं होता, नो जीरो। अगर हम आपसे लिख दें कि भाई px is equals to 5, तो आप अब x की कोई भी वैल्यू रखते रहिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, हमेशा 5 ही रहेगी, ये है फर्क। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई जीरो नहीं होता। फिर हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, px is equals to ax plus b, तो इसका जो जीरोस आएंगे वो लेस देन इक्वल्स टू डिग्री वन होंगे, तो या तो वन या उससे कम जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल के। आवाज आ रही है सलमान जी? सर ठीक है, तो यहाँ पे जीरो, अब जरा वैल्यू देखो होता क्या, एक्चुअली जो जीरो होगा वो हमेशा माइनस बी बाई ए होगा, ऑलवेज यहाँ पे एक ही जीरो होगा और उसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी, तो जो जीरोस हमारे पास होते हैं उन जीरोस में और ये जो हमारे पास ए बी सी हैं उनमें रिलेशन होता है, तो इन जीरोस को जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक ही जीरो होता है उसका नाम हमने लिख दिया अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, और पी एक्स क्या है सर, एक्स प्लस टू, तो इसका जीरो बताओ, तो मैंने आपसे कहा इसके जीरो का हमने नाम रखा अल्फा, ये ग्रीक लेटर है अल्फा, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए हमारे पास है वन, जो एक्स के साथ नंबर आता है वो हमारे पास होता है ए, और जो कांस्टेंट आता है वो होता है बी, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ए इज वन एंड बी इज टू, और मैंने अभी आपसे क्या कहा अल्फा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस टू अपॉन वन दैट इज माइनस टू। आपने अगर जीरोस निकालने सीखे होंगे तो आप क्या करते थे, एक्स प्लस टू को जीरो ले रखते थे तो एक्स की वैल्यू आ जाती, तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आती थी वही जीरो होता था, तो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज माइनस टू। अब हम क्या कह रहे हैं, नहीं अब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इफ पॉलिनोमियल इज ए एक्स प्लस बी then x will be minus b by a, minus b by a, अगर हम कहें कि polynomial हमारे पास 3x plus 5 है तो x is equals to minus 5 by 3, minus b by a, इस केस में b 5 है और a 3, तो इस तरह से हमें मालूम होता है कि जो हमारे पास zeros होते हैं, जैसा अभी हमने alpha कहा उसकी value आ रही है b upon a, तो जीरोस में और ए बी सी में रिलेशन होता है। अब ये वाला आपका क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equals to ax square plus bx plus c, तो दो चीजों को मिलाइए, पहली चीज व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो डिग्री हमारे पास है टू, अगर डिग्री हमारे पास टू है तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे they will be less than equals to 2, तो maximum 2 होंगे, अगर maximum 2 होंगे तो उन zeros के हमने नाम लिख लिए 2 zeros, तो एक को हम कह रहे हैं alpha और एक को हम कह रहे हैं beta। होता क्या है इन alpha beta में और इस abc में relation होता है, alpha plus beta होता है minus b by a और अल्फा इनटू बीटा होता है सी बाई, बस ये आपको
क्वेश्चन मिलता है सबसे पहला शो दैट ठीक है या सॉरी फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज सी बाय ए। बस ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखो जरा एक बाय बाय। देखो सर हमारे पास बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये देखो एक क्वेश्चन करना है, बस इसी की प्रैक्टिस करनी। कल भी इंशाल्लाह क्लास होगी, टाइमिंग अभी आप मुझे बता दें या फिर इंशाल्लाह हम डिसाइड कर लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है आपके लिए, आज के लिए यही है बस। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. तो हम एक क्वेश्चन उठाते हैं और बस उसी को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है बेटे px, that is x square minus 2x minus 8। ये हमारे पास आपसे कह रहा है find the zeros। बताइए इसके हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, नाइन्थ में किए हैं आप सब बच्चों ने सर, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वेरी गुड। बताइए मिडिल टर्म सुमैया। यस सर। क्या हुआ बेटे, आप क्यों बार-बार लेफ्ट कर जाते हो सर? वो नेटवर्क प्रॉब्लम था तो खुद लॉग आउट हो गया। ये हो रहा है, ठीक है। चलिए आप सब बच्चों ने नाइन्थ में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखा है, फिर लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा सर, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास यस मैं आपको बेटे रूल दे रहा हूँ, आप सब बच्चों को ना स्प्लिटिंग का रूल दे रहा हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में सब बच्चों को क्या करना है, सबसे पहला काम करना है बेटे, फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। सब बच्चों के लिए बस यही है, पीछे आपने कुछ समझाओ ना समझाओ बस यहाँ समझ लीजिए इतना ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर ए और सी को मल्टीप्लाई करना, ओनली थ्री स्टेप्स आर देयर, ठीक है, टू फैक्टराइज एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। बताओ यहाँ पे ए कितना है बेटे, यहाँ पे ए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वन है यहाँ, ठीक है। और सी यहाँ पे कितना है, सी यहाँ पे है माइनस एट, और माइनस नहीं लिखना सॉरी, माइनस क्या नंबर ही लिखना है, तो वन इंटू एट, तो आपका नंबर आ गया, प्रोडक्ट आ गया एट। तो सबसे पहला पार्ट क्या करना है, आपको प्रोडक्ट लेना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप आपको फैक्टर्स निकालने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एट आया आपके पास तो आप एट के फैक्टर्स क्या कर सकते हो, 8 के फैक्टर्स आप 8 into 1 कर सकते हो बेटे, या 4 into 2 कर सकते हो, that's it, और कुछ नहीं कर सकते। That is your second step, and third and last step, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है अपना लास्ट साइन, जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसका लास्ट साइन क्या है। तो लास्ट साइन यहाँ पे कितना है भाई, प्लस या माइनस, माइनस लास्ट साइन नहीं, लास्ट प्लस, साइन माइनस है बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो लास्ट साइन इज माइनस। तो चेक लास्ट साइन, अगर लास्ट साइन आपका प्लस है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू मिडिल टर्म होना चाहिए। और अगर लास्ट साइन आपका माइनस है तो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू मिडिल टर्म होना चाहिए, बस इतना सा करना है सब बच्चों को। तो आपने पहला पार्ट किया बेटे, आपने प्रोडक्ट फाइंड किया, प्रोडक्ट इज 8। सेकंड पार्ट किया आपने बेटे, आपने उसको
फैक्टराइज कर लिया 8 इंटू 1 एंड 4 इंटू 2 में, ये भी आपने कर लिया। अब आपको थर्ड चेक करना था कि साइन क्या है, तो साइन इज लास्ट साइन इज माइनस, तो माइनस मीन्स डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स मस्ट बी इक्वल टू मिडिल टर्म। कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज माय मिडिल टर्म? 2x x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारा पॉलिनोमियल है, तो उसमें मिडिल टर्म क्या है? नंबर की हम बात कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में मिडिल टर्म क्या है भाई? 2x ठीक है, नंबर नंबर मिडिल नंबर माइनस 2 ले लीजिए, माइनस की हमें जरूरत नहीं है, तो मिडिल टर्म हमारा 2 है, तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स 2 आना चाहिए। तो आपके पास एक फैक्टर तो था 8 इंटू 1 और एक था आपके पास 4 इंटू 2, तो बताइए 8 और 1 का डिफरेंस 2 होता है, 4 और 2 का डिफरेंस 2 होता है? 4 इंटू 2, दैट्स इट। फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं, इसलिए टाइम लगेगा, अदरवाइज नेक्स्ट उसमें आपको समझ में आएगा। तो हमें यही वाला पेयर लेना है बेटे, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, जो हमें पेयर लेना है वो हमें यही वाला लेना है। तो इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्रेडिंग मेथड, कि हमें जो यूज करने हैं वो 4 और 2 यूज करने हैं। तो अब आप देखो क्या लिखते हो आप, हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और हम इसको क्या लिख रहे हैं, x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8, ये हम लिख रहे हैं। आप सब बच्चे देख लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को, तो मिडिल टर्म जो हमारे पास 2 था उसको हमने 4 माइनस 2 लिखा है, और अगर आप बेटे ब्रैकेट यूज करेंगे तो आपको अपने आप ये आएगा कि विच टर्म इज पॉजिटिव एंड विच टर्म इज नेगेटिव, आपको उसके बारे में भी नहीं सोचना है कि माइनस 4x आना है या प्लस 4x आना है। तो ये तरीका होता है, इसे कहते हैं कि आपने 2 को 4 माइनस 2 लिखा है, तो हमने x स्क्वायर को चेंज नहीं किया है, 8 को चेंज नहीं किया है, जो माइनस था माइनस ही रहा है, हमने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। कैसे करना है, किस लॉजिक से करना है, वो हमने ऊपर देखा है। अब आप इसे ओपन कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, फर्स्ट 2 से आपके पास x कॉमन है, लास्ट 2 से आपके पास 2 कॉमन है, अगेन x माइनस 4 कॉमन एंड x प्लस 4 कॉमन, तो हमारे पास क्या आएगा, ये फैक्टर्स हो जाएंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जीरो रखते हैं, तो x माइनस 4 को अगर आप जीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा, x प्लस 2 को आप जीरो रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। तो दीज आर योर जीरोस, 4 एंड माइनस 2। तो पहला पार्ट तो ये है, आपसे कह रहा था फाइंड द जीरोस, तो इसमें ये कर सकते हैं आप, k एक को अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, अल्फा इज 4 और एक का नाम हम बीटा लिख सकते हैं। सब बच्चे बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या ये बात? जी सर। फाइंड द जीरोस। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है बेटे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और हमारे पास अल्फा आया है 4 और बीटा आया है माइनस 2। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, हमसे कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है बेटा, एंड अल्फा इनटू बीटा सी बाई ए होता है, तो ये रिलेशन वेरीफाई करना है कि ये बात सही है या नहीं। आप चेक कर लेते हैं, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो वैल्यू रखेंगे देखेंगे, अल्फा कितना आया सर, बीटा कितना आया सर, बी बताएगा कोई बच्चा मुझे, बी कितना है सर, बी माइनस 2 है, ए बी सी होता है बस, तो ए हमारे पास कुछ नहीं है, दैट विल बी 1, बी हमारा माइनस 2 है और सी हमारा माइनस 8 है, तो बी इज माइनस 2 एंड ए इज 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए, 4 माइनस 2 भी 2 होता है और माइनस माइनस प्लस 2 होता है, तो 2 इज इक्वल टू 2, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, यही हमसे कहता है कि प्रूव द रिलेशनशिप। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, आपको शो करना है अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अगेन अल्फा हमारा 4 है, बीटा हमारा माइनस 2 है, और अगर आप चेक करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में
सी हमारा माइनस एट है। हाँ भाई सी कितना है हमारा? माइनस एट। ये जो हमारे पास है अल्फा इज फोर, बीटा इज माइनस टू, सी इज माइनस एट, ए इज वन। तो आप खुद चेक कर लीजिए, माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट। तो ये भी हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो इस तरह से हमें प्रूफ करना होता है रिलेशनशिप। सर ये हर क्वेश्चन आपको बेटे हर क्वेश्चन के अंदर करना होता है जी बेटे, हर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन के हर एक पार्ट में आपको यही करना है। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है आज, और कुछ नहीं करना है, ये मान लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, कल भी इंशाल्लाह क्लास होगी। मुझे आप ये बताओ आपका जो टाइमिंग है वो होता है 6 to 7, ठीक है सर? जी सर। तो 6 to 7 में आपको 5 to 6 क्लास करना है या 7 to 8 करना है? मेरा क्लास सर 7 to 8, 5 to 6। कल भी इंशाल्लाह क्लास लेंगे ये बच्चे, सब ध्यान रहे। आज भी आपको बेटे मैसेज बहुत पहले कर दिया गया था कि मैं क्लास पहले लूंगा, लेकिन आप नहीं आए। सुहेब क्या हुआ बेटे, आप लेफ्ट हो जाते हो? बार बार लाइट चली गई थी बेटे, लाइट चली गई थी और वाईफाई भी चला गया था। चलिए तो कल भी बेटे क्लास, बताओ सलमान किस टाइम रखें? सर 5 to 6 जी, 5 o'clock जी सर। ठीक है, तो कल भी इंशाल्लाह क्लास रहेगी, आपको मैसेज आ जाए। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। ये रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं आपको डाल रहा हूँ, तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा अगर कुछ देखना हो, और ये PDF भी मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ। चलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।